पोर्टल पर इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्य की डिटेल उससे लेकर के उसके लिए तय किए गए फंड उस फंड का कहां खर्च हुआ उसकी भी जानकारियां ये सारी बातें उसमें उपलब्ध रहेगी। इसके जरिए गांव का कोई भी नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है क्या कामकाज हो रहा है काम कहां तक पहुंचा है सारी चीजें अपने मोबाइल पर से जान पाएगा जानकारी रख पाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VM Tech Info में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों इस मोबाइल एप्लीकेशन से आप किस तरीके से आप अपनी ग्राम पंचायत के में हुए विकास कार्यों की जानकारी देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आज के इस एप्लीकेशन की पूरी विस्तृत जानकारी आपको बताऊँगा, साथ ही आपको अपने कार्य की एक एक जानकारी आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने की मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ई ग्राम स्वराज जो एप्लीकेशन है उसको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन इस तरीके का इसका लोगो है, आप देख सकते हैं ई ग्राम स्वराज। तो इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने स्टेट का चयन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का आपको चयन कर लेना है। तो जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो यहाँ राजस्थान क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका जो जिला पंचायत है उसको आपको चयन करना है। सेकेंड ऑप्शन खुलेगा यहाँ पर, देख सकते हैं जिला पंचायत का। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएंगे, उसमें आप जिस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक पंचायत का, यानी कि आपका जो तहसील है उसका ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक पंचायत की। तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे कि पंचायत समिति है उसका, तो आपकी जो भी पंचायत समिति है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा ग्राम पंचायत का। तो उसमें आपको अब आपकी ग्राम उस पंचायत समिति में आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी पंचायत समिति की जितनी भी ग्राम पंचायत है वो आपके सामने उसकी सूची आ जाएगी। उसमें से आपकी जो भी ग्राम पंचायत है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों सबमिट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा फाइनेंशियल ईयर का। तो दोस्तों आपको किस साल की आपको रिपोर्ट देखनी है तो इसके लिए आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों पिछले 5-6 वर्षों का जो भी इस खर्चा हुआ है पंचायत में वो पूरा यहाँ पर उसकी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 2021 के लिए क्या डिमांड किया है पंचायत ने या फिर कितना काम किया है, इसका अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो आप 2021 पर क्लिक रखेंगे 2020-2021, और पिछले साल का देखना चाहते हैं तो आप 2019-2020 भी लेके उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन 3 मिलेगी ईआर डिटेल्स, उसके बाद अप्रूवल एक्टिविटी और फाइनेंशियल प्रोग्रेस। तो यहाँ पर अप्रूवल एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना है कि आपको कितना इस यहाँ पर अप्रूवल मिला है। तो अप्रूवल एक्टिविटी पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट है जो कि इस वर्ष में पंचायत को कितना अलॉट किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 72,91,290 रुपये का जो है फंड पंचायत को दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और इन्होंने काउंट जो काम है वो 49 कार्य किए हैं इस अमाउंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे डिटेल्स का। तो अब आपको देखना है कि ये पैसे कहाँ पर खर्च किए हैं, किस कार्य के लिए कितना खर्चा हुआ है आपकी ग्राम पंचायत में, ये आप यहाँ पर देखने के लिए आपको यहाँ डिटेल पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों डिटेल पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद एक सीरियल बाई एक से लेके जितने भी कार्य किए हैं वो आप देख सकते हैं आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये एक कार्य है, ये एक्टिविटी कोड है, इस कार्य का कोड है, उसके बाद ये कार्य का नाम है, फिर वो पब्लिक वर्क है प्राइवेट वर्क है उसकी आपको स्टेटस होगी, फिर यहाँ पर फोकस एरिया क्या है, तो ये ड्रिंकिंग वाटर पाने के लिए ये कार्य किया गया है, और ये स्कीम का नाम ये आप देख सकते हैं स्कीम का नाम आएगा, कौन सी स्कीम के तहत ये काम किया गया है, टाइटल ग्रेड आएगा, और उसके बाद इसका जो कॉस्ट है कितना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 80,000 रुपये का कार्य है।
तो इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर दूसरे नंबर का कार्य होगा जिसके अंदर यहाँ एक्टिविटी आपको मिलेगी, उसकी कोड मिलेंगे। फिर सार्वजनिक टाका निर्माण कार्य मौसम के घर के पास, यानी कि व्यक्तिगत किसी के घर के पास कार्य किया है तो वहाँ पर उसका वो नाम मेंशन होगा, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कार्य कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पंचायत के जितने भी कार्य हुए उन सब की प्रगति रिपोर्ट देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपकी पंचायत में कितना सरकार की ओर से फंड आ रहा है और वो कहां पर खर्च हो रहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।